अस्सलामु अलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद अनदर वीडियो। तो जैसा कि आज जुमातुल मुबारक है जी, तो रमज़ान शरीफ का लास्ट फ्राइडे है, जुमातुल अलविदा है जी। तो अभी जा रहे मैं और भाई रिजवान है जुमातुल अलविदा अदा करने के लिए। नमाज तो मैंने ही पढ़ानी है, तो इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे यहाँ कनाडा में कैसे जुमा अदा करते हैं जी हम। तो बहुत सारे लोग होते हैं जी उधर जेनेसिस सेंटर में है जी, जो लोग कैलगरी में रहते हैं उन्हें पता है जी जेनेसिस सेंटर का। देखिए सामने माशाल्लाह जो मौसम है वो बहुत ही प्यारा है इस वक्त है। आप देख सकते हैं जी बादल देखें बहुत ज्यादा नजदीक है, ये चेक करें आप। तो मैंने कैमरा हैंड ओवर कर दिया भाई रिजवान को। माशाल्लाह जो पिछले रमजान शरीफ में कनाडा में मतलब इस वक्त बर्फबारी हो रही थी, इस वक्त अभी माशाल्लाह मौसम जो बहुत प्यारा हो चुका है जी। जा रहे हैं जी नमाज जुमा अदा करने के लिए, जुमातुल अलविदा है, पता नहीं जिंदगी में दोबारा आना भी कि नहीं, क्योंकि अगले रमजान शरीफ में पता नहीं कहाँ होंगे, इस दुनिया में भी होंगे कि नहीं, क्योंकि मौत का कुछ पता नहीं होता है ना। आज आप यहाँ पे है, कल का भी किसी को पता है, बस जाना है ये कुल दोना से ज़ायकतुल मौत, हर किसी ने मौत का ज़ायका चखना है जी। ये है जी लिस्टन पार्क है जी, ये आप देख सकते हैं। ये देखें जी हम फ्लाईओवर पे, मेरे चैनल पे न्यू व्यूअर्स हैं जो नए लोग हैं उनको बता दूं, पिछले साल तो रमजान शरीफ में हम पाकिस्तान में थे भाई उस्मान की शादी पे। वैसे तो हमें कनाडा में 5.5 ईयर्स हो चुके हैं जी, हम 2017 में आए थे कनाडा। तो जी रास्ते में जा रहे हैं जी, हम हाईवे पे हैं, तो इंशाल्लाह ठीक है जी। तो जाके मिलते हैं जी जेनेसिस सेंटर में जहाँ हमने नमाज जुमा अदा करनी है। तो इंशाल्लाह जी मिलते हैं आपको जेनेसिस सेंटर में जी। हम पहुँच चुके हैं जी जेनेसिस सेंटर में, ये देख सकते हैं जी पार्किंग फुल हो चुकी है जी जेनेसिस सेंटर की दोनों साइडों पे। अभी पार्किंग ढूंढनी पड़ेगी सबसे पहले, तो जो काम है जो बहुत बड़ा काम है जी, जो सबसे मुश्किल काम है जी पार्किंग ढूंढने के लिए। हम आ चुके हैं जी जेनेसिस सेंटर जी। मैं तो भाई रिजवान आ चुके हैं जी जेनेसिस सेंटर, नमाज जुमा पढ़ाने के लिए जा रहे हैं जी। मैंने पढ़ाना है, ये मेरा मकसदी है जी, भाई रिजवान ने पढ़ना है तो मैंने पढ़ाना है जी जुमा मुबारक। बच्चे ना सॉकर खेल रहे हैं यहाँ पे जी, ये देखें फुटबॉल आ गया इनका। ये देखें जी भाई उस्मान के ग्लास मिनिस्टर का ये बिजनेस है जी, ये लोग सुनते अदा कर रहे हैं जी। मैं भी अंदर आ चुका हूँ जी, अब ऐसे देख सकते हैं भाई रिजवान इस साइड पे। ये देखें माशाल्लाह अभी जमात हो के हटी है, दे हैव डन वन अ सेकंड जमा, आई एम गोना लीड अ थर्ड जमात।
मैंने तीसरी जमात पढ़ानी है जी, उसके लिए आवाम भी आ रही है, लोग भी आ रहे हैं जी। बहुत ज़्यादा हजूम होता है ना माशाल्लाह इधर एजेंसी सेंटर में है जी। अभी मैं भी सुन्नत अदा करता हूँ जी, सबसे पहले सुन्नत अदा करके फिर इंशाल्लाह आई विल लीड द थर्ड जुमा। الحمد لله الذي جعل يوم الجمعة سعيدا ولا نعبد ولا نستعين إلا إياه وهو الذي فرض صلاة الجمعة لنسعى إلى ذكر الله والصلاة على محمد سيد الأنام وعلى آله وأصحابه الكرام خصوصا على خير بشر بعد الأنبياء بالتوفيق أمير المؤمنين بمغفرة الصديق وعلى الهادي بالصدق والصواب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وعلى كامل الحياء والإنقاذ أمير المؤمنين عثمان بن عفان وعلى غالب كل غالب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب जुमातुल मुबारक जी पढ़ा लिया जी मैंने, जुमातुल अलविदा था तो भाई रिजवान भी अदा कर लिया जी। अब जाएंगे स्टोर पे, ग्रोसरी स्टोर पे जाना है जी, तो ग्रोसरी स्टोर पे जाके कुछ चीज़ें चाहिए थी घर के लिए ना, वो लेनी है जी। देखो तुम पार्किंग से बहुत फिल हुई भाई पार्किंग, गाड़ियों से तो पार्किंग भर चुकी है जी, बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ हैं इस साइड पे भी और इस साइड बहुत साइड पे, और दूसरी साइड थर्ड जो साइड है वो इसकी बैक साइड पे है जी, तो बहुत सारी गाड़ियाँ जी यहाँ पे देखें, हर किसी ने तो गाड़ी पे आना होता है जी, इसलिए पार्किंग फुल हो चुकी है। हाँ जी देखो जी असं आ गए बाहर जी, इधर जेनेसिस सेंटर अपना रहा, तो बदल बहुत ज़्यादा हो चुके हैं बदल जड़े ने कैलगरी जी, बस इस तरह मौसम का पता नहीं लगता जी के कदों बदल हो जाने। मैं तुहानू घंटा पहले तुहानू दिखाई सी अपने वीडियो च, ते माशाल्लाह मौसम बहुत ज़्यादा खूबसूरत सी, पर इस टाइम तो बहुत ज़्यादा बदल हो चुके ने जी। असं पहुँच चुके हैं जी, चलो फ्रैशको फिर, चलो सारे चलिए फ्रैशको इधर, चलो फ्रैशको लवली स्वीडियो सामने है। मैं एग्जिट के सामने ही ला लूंगा गड्डी। हां जिस तरह एग्जिट तो ठीक है, फिर उधरों एंटर तो होके इधर एग्जिट जी, चलते हैं जी अंदर। ये जी चलो फ्रेश को, चलो जी चलते हैं, भाई रिजवान मेरा वेट कर रहे होंगे जी। आ गए जी अंदर, चलो चीजें पर लेनी, सूजी साल्ट नमक लेना ते होर सी जी मेवे, ये तीन चीज़ें लेनी थी हमने जी। आप प्राइस तो चेक करें, ये खीरे हैं जी, ये छोटे से $3.49 के हैं जी, $3.50 के, बस ऐसे एक्सपेंसेस भी ऐसे हैं। ये बोतल देखें सरों, नहीं यहाँ यहाँ से नहीं, सरों की देखें, ये है जी $8.97 की, फिर प्राइस देखें चीज़ों की ना, कुछ भी सस्ता नहीं है इधर भी। ये हैं जी केक, केड़ा केक खाना दस, रमजान शरीफ कोई ना, इफ्तारी तो इंशाल्लाह अपना जरा हूँ खाना वा, इंशाल्लाह आप इफ्तारी में जरूर खाएंगे। चेक कर लेंगे यहाँ पे होगी, क्योंकि दालें ये शेर की दालें हैं सारा, ये सारी चीजें ये देखिए नेशनल शान वालों के मसाले, सारी चीजें मिलती हैं जी यहाँ से, कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है कि
हमें कनाडा जाएंगे तो वहाँ से कोई चीज़ नहीं मिलेगी। कनाडा में तो पंजाबियों की तो हर चीज़ मिल जाएगी, पाकिस्तानी इंडियन की तो ना। आप ये फिक्र ना करना कभी। ये देखें जी कुकीज़ है, बिस्कुट देखें पाकिस्तानी, रियो कौन सा खाना है, सुपर बिस्कुट भी। ये जो देखने मेरे वाले हैं ना, मेरे व्यूअर्स, आप खुशी चेक करें जी मेरी, जब आप कोई अपनी चीज़ देखते हैं ना स्टोर में तो बहुत खुशी महसूस होती है। आदर अपने पंजाबी बिस्कुट्स ने जी, इधर दाला ने। अज तुहानू इंशाल्लाह स्टोर का विजिट करवाना, आप मेवे देख ला जेडे सही ने। हाँ ठीक ने, हाँ हांडी का जेडे साफ हो अच्छे वाले ले ला। प्राइस सेम ही है ना, डिफरेंट आ। ओके क्वांटिटी तू चेक कर ला, ए 285 ग्राम, ए 25 ग्राम आ ले लेने। ठीक है, हाँ जेडे तू फड़े ना यही लैके जाए जाते हैं। ये मेवा है, मेवा ले लिया जी। ये हो गया सूजी, अब सूजी चेक करनी है जी। तीसरी चीज कौन सी थी? सूजी, साल्ट, नमक, नमक भी लेना है ना हमें। सूजी तो स्टार्टिंग में पड़ी थी ये जी 497 की है जी सूजी का बैग है जी। ये कितने ग्राम का है जी? पैक्ड इन कनाडा, तो ये कितने ग्राम का है? ये 4 LB का है जी। चलो जी हूँ अगे आप लेना वा, इधर जी प्रोड्यूस है, हूँ आप लेना जाके रिजवान भाई नमक साल्ट लेना। चलो एच ए मे बी पढ़ लेने उपरों, शुगर या ये होएगा मे बी शुगर के नाल है ना। जो साल्ट हमें चाहिए था वो इनके पास नहीं है जी। ये है जी 149, ये भी साल्ट है पर ये इसमें पिकल्स ऐड हैं, कुछ चीज़ें ऐड हैं, हमें उनके सिंपल चाहिए। ये ग्रेवी स्पाइसेस हैं। टमाटर इनकी प्राइस पहले चेक करनी पड़ेगी क्योंकि वैसे डेली फ्रेश में एक और स्टोर है उस पर भी प्राइस ठीक होती है, या सांझे पंजाब पे भी अच्छी प्राइस होती है। कल मैंने देखा तो उन्होंने सेल पे लगाया था, सेल पे उन्होंने लगाया था टमाटर 1 LB 99 सेंट का, $1 के 1 pound। चलो देखते हैं टमाटर इधर है ना। हाँ जी इधर टमाटर इधर लगे ने, तो वैसे महंगे है, $1.99 सानू कभी लोड़ है। उत्तर सांझे पंजाब तो लगे ने, देखो जी रेड FM वाले भी आ गए ने, रेडियो स्टेशन है कैलगरी से, जेडे अपने सारे पंजाबी उन्होंने पता है जी रेड FM सेटअप कर लगे ने अपने भाई होने। यहाँ गए जी हम टिल पे आ गए हैं जी, स्कैन करते हैं चीज़ें, पे करनी है। नो अपने पास वो कार्ड नहीं है, मेंबर्स कार्ड किन्ने दी है? 497 दी, जिना जिन्हें आप देखी सी उत्थे मे वे ये बार कोड आया ने। या 297 दा 297.94 इन्ने बने हैं $7 94 सेंट। नो वी डोंट हैव इट, चल डेबिट कर दे, फोन तो कर देगा भाई रिजवान। ये कर दिए जी पे, लेके चलते हैं जी, दो चीज़ें हैं बस, बाकी अगले स्टोर पे चलते हैं जी। हाँ जी मैं तो भाई रिजवान आ गया जी सांझे पंजाब से, सांझा पंजाब भी अपने पंजाबियों का स्टोर है जी। इतों भी अपन सारे चीज़ें मिल जाती हैं, इतने टमाटर सस्ते लगे सी, उत्थे लगे सी $199 $2 दे 1 LB, इतना मैं कल देखे सी सेल लगी सी इतों $99 $1 दे LB सी। ये भी नाल ही बिल्कुल लग गई है, ATS Avenue Genesis Center दे लागे इतने आए हैं जी। चलो चलिए भाई रिजवान जाके चीज़ा देखिए जड़िया लैनिया हो, बाकी स्नो तो स्टार्ट हो ही गई है थोड़ी थोड़ी नाल जिदा मिक्स स्नो दे विच ज़्यादा बारी इस तरह वा, जिदा स्नो दे विच गले होंगे आ, सर्दी भी हो गई है क्योंकि सर्दी तो हो जाती फिर इस तरह ही है जी, कभी पता नहीं चलता यहाँ पे वेदर का ना।
ये देखें प्रोड्यूस, ये है टमाटर हमने लेने हैं जी, ये है ये देखें 99 सेंट का, एक LB है जी, ये लेंगे ये ही ले लो जी। यहाँ से सारी ग्रोसरी, क्योंकि मुझे पता होता ना क्या किन किन स्टोरों पे सेल लगी है, तो क्योंकि सारी ग्रोसरी यहाँ से जो नॉर्थ ईस्ट में वो मैंने ही लेके जानी होती है घर, क्योंकि मैं नॉर्थ ईस्ट में ही काम करता हूँ ना। ये भाई रिजवान अमरूद चेक करवा रहे हैं जी, अमरूद ये अच्छे नहीं हैं, छोटे छोटे ये ठीक हैं, ये ठीक हैं, फिर भी ये हमने टमाटर ले लिए, ये सेल पे थे लगे, तो क्योंकि मुझे पता था, मैंने कल भी आया था स्टोर पे, लार्ज वावा एक LB $6 था, कि ये पाकिस्तान साहब दा किन्ने दे बड़े बूटे तोड़ के खाओ, किदा वलेट वलेट रखे है इन्हें, ठंड यार बाहर ठंडा, बाहर ठंड बहुत ज्यादा वा, ਇਹਨਾਂ ਵਲੇਟ ਵਲੇਟ ਰੱਖਿਆ ਵਾ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀਮ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕੀਮਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਵਲੇਟ ਵਲੇਟ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਜੀ ਹਮਨੇ ਟਮਾਟਰ ਵੀ ਲੈ ਲਈ ਹੈ ਜੀ, ਅਮਰੂਦ ਵੀ ਔਰ ਸਾਲਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਨਮਕ ਲੈਣਾ ਬਸ, ਆਮ ਜਸਟ ਮਿਕਸਿੰਗ ਇਟ ਆਲ ਔਰ ਡੂਇੰਗ ਪੰਜਾਬੀ ਫਾਰ ਮਾਈ ਵਿਊਅਰਸ, ਸਮ ਆਫ ਦੈਮ ਦੇ ਆਰ ਫਰੋਮ इंडिया, सम ऑफ दे आर फ्रॉम पाकिस्तान, तो मैं मिक्स कर रहा हूँ जी उनके लिए, जस्ट मिक्सिंग फॉर देम, या वी नीड अ वन बॉटल, या ये आई थिंक वी विल टेक द बिग वन, या आई विल टेक अ बिग वन, या पुट इन देयर, ये भाई रिजवान ने बोतल भी ले ली है जी, सरसों का तेल जिन्हें सरों का तेल बोलते हैं पंजाबी से, रूह अफजा भी है, जामे श्री भी इन्होंने भी है वा, आप लून लेना, we need a salt buddy, yeah we need a salt, salt ki wo lene ho, bas salt lena hai ji, wo reh gaya, ye dekhiye sari malke jo hai na seeds, there's all stuff like seeds and cinnamons, all spices right here, it's right here everything, patti, do you need a patti bro? रेड लेबल लिप्टन भी होगी, या ये देखें ऊपर लिप्टन, हम तो टेटली यूज़ करते हैं, जो टेटली ऐसे जब पाकिस्तान में थे हम तो इलायची जाकर यूज़ करते थे, मुझे लगता है मेरा व्लॉग भी बहुत लंबा हो जाएगा, ये हैं जी जी बिल्कुल, ये दो ले ले, चलो जी हमारा काम हो गया डन, लेट्स गो, या वी डोंट नीड इट, फिर ये देखिए शान वालों का मसाला, चलो भाई रिजवान चलिए फिर आप खंड ले लो, खंड आ देखो जी की होया देखो, स्नो स्नो आ रही है जी, मिला दे दिन आप गले भी शुरू हो जाना, जिस तरह दी है ना ये मोटी मोटी, चलो मैं रख देना इधरों, स्नो स्टार्ट हो चुकी है जी कैलगरी में दोबारा, जो हिसाब किताब था ना मुझे पहले लग रहा था कि स्नो हो आ जाएगी, तो चलते हैं जी अभी घर को, सारी चीज़ें ले ली हैं, जुमातुल अलविदा था रमज़ान शरीफ में, वो भी लास्ट फ्राइडे था, तो इंशाल्लाह वो भी हमने अदा कर लिया जी, तो क्योंकि ज़िंदगी का पता नहीं, ज़िंदगी अगले रमज़ान शरीफ में होगी कि नहीं होगी, उसके बाद से थोड़ी सी ग्रोसरी घर के लिए वो भी हमने ले ली है, मैं और भाई रिजवान थे, तो अब जी चलते हैं जी घर को, तो स्नो भी स्टार्ट हो चुकी है जी, तो बस चलते हैं जी घर को हम, मैं और भाई रिजवान, ओके जी चलो, आ देखो जी इस तरह उधर से स्नो, इधर थोड़ी थोड़ी बारिश है, इधर तो बारिश है, धुप लगी है, धुप लगी नाल रब जी कुदरत, देखो जी इधरली साइड ते स्नो पै रही है, एक साइड ते दा स्टोर तो निकले सी ओथे ते स्नो सी तां दिखाया भी सी, ते ओ देखो पुलिस वाला खड़ा है, स्पीड ज्यादा है, देखो ना स्टोनी दे खड़ा ड्राइव सेफ कहता, ये पुलिस वाले ने जी
ज्यादा स्पीड हो तुम टिकट भी देंगे। अगे आए हैं देखो अगे स्नो कुछ भी नहीं है ना स्नो ना कोई बारिश जिस तरह ले इधर हो ही नहीं इस तरह लग रहा ना पहले समान हर शायद सुखी है साफ क्लियर है। तो जी साडे यूट्यूब चैनल नूं सबसक्राइब भी करो लाइक भी करो ते अपने फैमिली फ्रेंड दे नाल शेयर भी करो इंशाल्लाह इस तरह दी अच्छी वीडियो आंदी रहेगी। तुसीं कहना वीडियो तेरी पता नहीं कदों आंदी है तू कह दिंदा है भाई ते इंशाल्लाह ते नाल घंटी बजे जा लो आपे नोटिफिकेशन भी नाले आई करो जो इन्हें पाना इन्हें चल चिड़ी चिड़ी बाद हों पर आ जाओ करो भी तुम पता लग जा करो कि अच्छ पाती मुंडे ने वीडियो जाके चेक कर लो जी क्योंकि जज्बा कदी कदी आता वा। तो आपसे रिक्वेस्ट है जी प्लीज सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड लाइक एंड शेयर विद योर फैमिलीज एंड फ्रेंड एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन दैट यू वोंट फॉरगेट any videos to hamare youtube channel ko subscribe kare bas to de ji iske sath hi mujhe ijazat apna rakhiye bahut sara khayal allah hafiz।